जानने का वक्त आ गया है। थोड़ी ही देर में बिहार का ओपिनियन पोल आपके सामने होगा। राजनीतिक तौर पर इतनी घनघोर उथल पुथल आपने बिहार को लेकर देखी है, क्या मूड वहां से निकल कर आ रहा है? 40 सीटें हैं लोकसभा की बिहार के अंदर, वहां पर सर्वे क्या कहता है, ओपिनियन पोल, मेगा ओपिनियन पोल में बिहार की तस्वीर क्या है, इतनी सियासी उथल पुथल के बाद अब जनता का मूड क्या है, वो जानने की घड़ी अब बस थोड़ी ही देर में। तो बिहार की जनता का मूड और अब थोड़ी देर में यह स्थिति साफ हो जाएगी। पूरे देश के साथ साथ बिहार पर नजर है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खास नजर है। बेहद खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। तो संजय राणा जी, बिहार पर भी हम दिखाएंगे तस्वीर अब से थोड़ी देर में। 40 लोकसभा सीटें, वो भी अभी जो ताजा घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम हुआ उसके बाद। सबसे क्रूशियल स्टेट अगर हमारे नजर में है वो बिहार प्रदेश है, कि समीकरण क्या होगा, कि आरजेडी भी काफी सशस्त्र है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपके माध्यम से जनता को देना चाहता हूं। जो घटनाक्रम में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पशुपतिनाथ पारस की पार्टी जो करंट में 3 सांसद हैं उनको 1 सीट दे रही है और पशुपतिनाथ पारस जी को शायद राज्यसभा भेज सकती है, और बाकी जो 4-5 सीटें जो पिछले 6 सीटें आई थी वो हो सकता चिराग और उनके गुट को चला जाए। तो ये समीकरण थोड़ा सा बदलेगा, अभी देखना पड़ेगा किसका क्या होता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी स्टेट ठाक दे, इतना क्रूशियल कोई भी स्टेट नहीं है। यहां की राजनीति कहीं ना कहीं जनता का मूड और राजनीति दोनों तय करेगा कि देश के शीर्ष पर बैठने वाला कौन है। देखिए यूपी क्लियर है, बंगाल क्लियर है कि कितनी सीट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन बिहार में वो रिपीट कर पाएंगे 39 की 39 सीट या 40 की 40? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये देखना होगा कि आपका जनता का विचार क्या है, जनता किसको वोट करती है, आरजेडी को देती है, कि आज भी उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर है। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और सौरभ शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, हालांकि थोड़ा सा पृष्ठभूमि अलग है, बिहार को लेकर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप बिहार को लेकर, वहां की स्थितियों को लेकर? जी देखिए ललित जी, ये जो राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में घटा था कि नीतीश जी एनडीए में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी अगर